दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से HCL टेक के अंदर इंट्राडे पे काम करके हम कैसे एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाएंगे, उसके बारे में एक सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने आप लोगों को हर दिन शाम 6 बजे इसी चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैंने जब भी कोई भी नया वीडियो पोस्ट करूंगा वो वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। दोस्तों, इसे स्ट्रैटेजी बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लग रहा है, अगर आप लाइक करके चैनल को सपोर्ट करोगे तो ये चैनल ग्रो हो पाएगा, तो एक बार लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को मैंने खुद बैक टेस्ट करके देखा है, काफी अच्छा काम दे रहा है। फिर भी आप लोग आपके रियल मनी इन्वेस्ट करके इस पे काम करने से पहले खुद एक बार बैक टेस्ट कर लीजिए, 2-3 हफ्ता पेपर ट्रीट करके देखिए। अगर आपको सही रिजल्ट मिल रहा है तो अभी दोस्तों आप इस पे रियल मनी इन्वेस्ट करके काम कर सकते हो। तो चलिए, इस स्ट्रैटेजी को कैसे बनाएंगे, कैसे फॉलो करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे HCL टेक का 15 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन किया है। 15 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब ये जो कैंडल आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, एक ही कैंडल 15-15 मिनट ड्यूरेशन पे बना हुआ है। दोस्तों, इसी स्ट्रेटेजी के माध्यम से हमको एंट्री करना है 9:45 के आसपास। तो 9:30 से लेकर 9:45 तक जो कैंडल फॉर्म करेगा वो कैंडल का हाई और लो दोनों को मार करके रखना है। उसके बाद जिस भी डिरेक्शन पे ब्रेकआउट आता है, मतलब ये जो 9:30 से लेकर 9:45 जो कैंडल फॉर्म किया है, इसका हाई को अगर कोई कैंडल ब्रेक करके ऊपर आके क्लोजिंग देता है, उसी दिन हम बाइंग के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। अगर उसका लो को किसी ने ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है, तो उसी दिन सेलिंग के ऊपर पोजीशन हमको लेना है। और इस पे सेम 1:1 रेशियो के हिसाब से हम काम करेंगे। अगर हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजिशन बनाते हैं तो सेकेंड कैंडल का लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर सेलिंग के ऊपर पोजीशन बनाते हैं सेकेंड कैंडल का हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये कैंडल के हिसाब से अगर आप देखोगे, हमारा एंट्री आ रहा है 1147 लेवल के आसपास, और इस पे जो स्टॉप लॉस है 1140 या 41 लेवल के आसपास। तो यहाँ पे 6 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। अगर 6 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ टारगेट आप लेके जाओगे 1147+6, तो 1153 लेवल के आसपास हमारा टारगेट आ रहा है। तो 1153 का लेवल आप देखो, ये लेवल के आसपास ये टारगेट अचीव हो गया। तो दोस्तों, इसका लॉट साइज है 700, अगर आप 6 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुक करते हो तो 4200 के आसपास आपको इस पे प्रॉफिट मिल जाता है। तो चलिए, उसका प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से सेकेंड कैंडल का जो हाई लो है, मैंने उसको मार्क कर देता हूँ ये लेवल के आसपास, और देखो ये हाई को इसी लेवल के आसपास ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया है, और ये कैंडल पे हमको एंट्री मिला है 1157 पे, स्टॉप लॉस हमारा 1145 पे, तो अराउंड 12 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस इस पे आ रहा है। और इसी लेवल से 12 पॉइंट अगर आप देखोगे 1157+12 करेंगे तो 1169 के आसपास हमारा टारगेट आ रहा है। ये देखो 1166 लेवल के आसपास आने के बाद इसी लेवल से फिर ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों, एक बार अगर हमको ऐसे 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से 2-3 कैंडल अगर हमारी डायरेक्शन पे फॉर्म हो जाता है, उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स होता है, तो हम इसी लेवल के आसपास, इसी लेवल पे एंट्री किए हैं उसी लेवल के आसपास ही पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। ये तो बाइंग के ऊपर मैंने आपको बताया, इससे सेलिंग के ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने सेलिंग का डे यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये ट्रेडिंग सेशन पे हमारा सेलिंग एक्टिवेट हुआ है, सेकेंड कैंडल जो फॉर्म किया है, सेकेंड कैंडल को देखो ब्रेक करके ये लेवल के आसपास आके हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिला है। तो हमारा एंट्री आ रहा है 1144 लेवल के आसपास, सेकेंड कैंडल का हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो 1148 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो 4 पॉइंट के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है। और देखो, इजीली यहाँ पे 4 पॉइंट के आसपास हमको टारगेट मिल जाता है, तो यहाँ पे 2800 रुपीज के आसपास हमको आराम से प्रॉफिट मिल गया है। तो दोस्तों, सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल स्ट्रैटेजी को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो नेट नेट आप एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाओगे।